वो नौ धर्म है सतयुग का सूर्यवंश। Those nine religions are the Sun dynasty of the Golden Age. सोलह कला संपूर्ण कृष्ण को गाया हुआ है नारायण को। कृष्ण नारायण is praised to be 16 celestial degrees complete. सोलह कला संपूर्ण कहा जाता है। He is said to be complete in 16 celestial degrees. राम को चौदह कला कहा जाता है। चंद्रवंश। राम is said to be 14 celestial degrees. Belonging to the Moon Dynasty. और फिर द्वैतवादी धर्म शुरू होते हैं। And then the dualistic religions start. द्वैतवादी धर्मों में हिस्ट्री मिल रही है मनुष्यों के पास। The history in the dualistic religions is available to the human beings. क्यों? देवताओं की हिस्ट्री क्यों नहीं मिल रही है? Why? Why is the history of the deities not available? है? भाषा यानी थी। अर्धविनाश। देवताओं की हिस्ट्री इसलिए नहीं मिल रही है। The history of the deities isn't available because कि आज से 2500 साल पहले 2500 years ago महाभारत विनाश हुआ था। The massive destruction of Mahabharat had taken place. लेकिन वो अर्ध विनाश हुआ था। बट इट वॉज हाफ डिस्ट्रक्शन। उस सृष्टि के आधे विनाश में जो भारत अविनाशी खंड है। इन दैट हाफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन भारत विच इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल लैंड। उस अविनाशी खंड में इन दैट इनडिस्ट्रक्टेबल लैंड भगवान की हुई स्थापना का लोप हो गया। देवताई धर्म का लोप हो गया। The establishment which was made by God became extinct. The deity religion became extinct. देवताई बुद्धि छीन हो गई। The deity like intellect degraded. इसके लिए क्रिश्चियंस के ग्रंथों में और मुसलमानों के ग्रंथों में एक कथा आती है। About this, a story is mentioned in the texts of the Christians and the Muslims. आदम और हव्वा की, एडम और ईव की। Of Adam and Hawa, of Adam and Eve. कि भगवान ने उनसे कहा कि तुम जन्नत में जाओ। God told them, you go to Jannat, paradise. लेकिन एक बात का ध्यान रखना। But beware of one thing. उस जन्नत में जो बाड़ी का फल है, गंदुम मत खाना। Do not eat gandum, the apple fruit, the body fruit, which is in Jannat. मुसलमान लोग गंदुम गेहूं को कहते हैं। The Muslims say gandum for wheat. गेहूं का आकार मनुष्य के मनुष्यों में जो स्त्री के अंग हैं, उनसे मिलता जुलता है। The shape of wheat is like the organ of the female among the human beings. उस तरफ इशारा दिया। The hint was given towards it. ये देह का सुख नहीं भोगना, ये गंदा सुख है। Do not experience the happiness of the body. This is dirty happiness. इसके सुख भोगने से तन भी छीण होता है। By experiencing this happiness, the power of the body is lost. मन भी छीण होता है और तन और मन छीण होने से रिजल्ट क्या आता है? The power of the mind is lost as well. What is the result of the loss of the power of the body and mind? मनुष्य धनहीन हो जाता है। Human being becomes poor. मन बुद्धि सालिम रहे, तन सालिम रहे, तो धन स्वतः ही आता रहता है। If the mind and intellect is all right, if the body is all right, then wealth comes naturally. तन भी छीण हुआ, मन भी छीण हुआ। If the power of the body and mind were lost, और धन भी छीण हुआ, तो दुर्गति को पाते रहोगे। The power of money was also lost, then you go on degrading. सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में प्रकृति
कुदरत सब प्रकार के सुख मुहैया कराती थी। इन द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस इन द वर्ल्ड ऑफ राम एंड कृष्ण द नेचर यूज्ड टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। मनुष्यों को कोई काम करने की दरकार नहीं होती थी। देयर वाज नो नीड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स टू डू एनी वर्क। और आज की दुनिया में एक मनुष्य तो क्या पूरा परिवार कमाता है। एंड इन टूडेज वर्ल्ड नॉट ओनली अ सिंगल पर्सन बट द होल फैमिली अर्न्स। तो भी पूर्ति नहीं होती। इवन सो द फुलफिलमेंट इज नॉट देयर।